दोस्तों आप सभी लोग जीपीएस तो यूज करते होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि IRNSS क्या है? अगर नहीं तो आप ये वीडियो देखते रहिए और मैं आपको इसी के बारे में बताने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों IRNSS की जो फुल फॉर्म है वो है इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। अब अगर समझ में आ गया हो तो अच्छी बात है, वरना मैं आपको बता दूं कि ये इंडिया का अपना शुद्ध स्वदेशी घर में निर्मित इंडिजीनियस जीपीएस के इक्विवेलेंट वाला एक सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन सिस्टम है। अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो मैं आपको बता देता हूं कि जैसे आज की डेट में हम सभी लोग हमारी गाड़ियों में, हमारे मोबाइल फोन्स में, हमारे ट्रैकर्स में जीपीएस का यूज करते हैं नेविगेशन के लिए। अब जीपीएस क्या है? जीपीएस है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, जो कि यूएस का एक सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन सिस्टम है। इसी तरीके से रशिया के पास में है ग्लोनास, चाइना के पास में है बेडू और यूरोपियन यूनियन के पास में है गैलीलियो। लेकिन आज के बाद हमको इनमें से किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा, क्योंकि हम यूज कर पाएंगे हमारा अपना इंडिया का बनाया हुआ नेविगेशन सिस्टम, जिसका नाम है IRNSS, यानी कि इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। दोस्तों ये बहुत बड़े प्राउड की बात है कि हमारा नाम भी, हमारे देश का नाम भी उन कंट्रीज के लिस्ट में शामिल हो गया है जिनके पास में अपना खुद का एक नेविगेशन सिस्टम है। और ये एक बहुत प्राउड फीलिंग है। कल 28 अप्रैल 2016 को इस सिस्टम की सातवीं सैटेलाइट जो थी उसको सक्सेसफुली लॉन्च किया गया। इससे पहले 6 सैटेलाइट्स को हम ऑलरेडी लॉन्च कर चुके हैं। जुलाई 2013 से सिस्टम जो था वो प्रोग्रेस में था और फाइनली 3 साल से भी कम टाइम में केवल 1420 करोड़ रुपए की लागत पे। केवल 1420 में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अगर यही काम रशिया करता या कोई दूसरा कंट्री करता तो पता नहीं कितने मिलियन बिलियन डॉलर लग जाते। लेकिन क्योंकि हम इंडियंस ने किया, सारा काम जो हुआ वो इस देश में हुआ, सभी चीजें इस देश में डेवलप की गई, तो इसके बदले में सिर्फ 1420 करोड़ रुपए की लागत से इंडिया के पास में हमारा अपना खुद का एक नेविगेशन सिस्टम होगा, जो कि बहुत बड़ी बात है। और न सिर्फ इंडिया के पास में, हम इसकी सर्विसेज जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, पाकिस्तान, उन सभी को भी देंगे और ये हमारा अपना सिस्टम होगा। तो इसके बाद में हमें जीपीएस पे डिपेंडेंट नहीं रहना होगा। अगर आपको मैं बता दूं कि डिपेंडेंट रहने की बात कहां से आ गई है, तो 1999 करगिल वॉर में यूएस ने जीपीएस की सर्विसेज इंडिया को देने से मना कर दिया था और उस टाइम पे बहुत प्रॉब्लम हुई थी। लेकिन आज के बाद में क्योंकि हमारे पास में हमारा खुद का एक नेविगेशन सिस्टम होगा, तो हमें किसी और पर डिपेंडेंट नहीं रहना है। और चाहे एरियल नेविगेशन हो, चाहे टेरेस्ट्रियल नेविगेशन हो, चाहे मरीन नेविगेशन हो, चाहे फ्लीट मैनेजमेंट हो, चाहे हाइकर्स के लिए हो, चाहे ट्रैकर्स के लिए, नॉर्मली हम IRNSS को यूज कर पाएंगे। और ये एक बहुत ही स्पेसिफिक सिस्टम होगा सिर्फ इंडियन रीजन के लिए। और 7 सैटेलाइट्स अगर सिर्फ एक रीजन के लिए आपको अपॉइंट कर दी जाएं, तो इसका मतलब ये है कि जो एक्यूरेसी है वो बहुत कमाल की होने वाली है। और ये सिस्टम आने वाले महीनों में, आने वाले सालों में जो पूरे तरीके से डेवलप हो जाएगा, तो इसको यूज करने में दोस्तों बड़ा ही मजा आने वाला है। अब ये सिस्टम जो है वो अभी इसकी टेस्टिंग फेज चलने वाला है, क्योंकि आने वाले 3-4 महीनों में ये चेक करेंगे कि सभी सैटेलाइट्स ठीक हैं, अच्छे से काम कर रही हैं, ग्राउंड स्टेशन जो उनको सेटअप किया जाएगा, और उसके बाद में मैन्युफैक्चरर्स जो है उनसे बात की जाएगी और IRNSS के जो रिसीवर्स होंगे उनकी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो जाएगी। फिर चाहे हम बात करें स्मार्टफोन्स में, तो उनमें भी आपको देखने को मिल सकते हैं। उसके अलावा जो नॉर्मल डेडिकेटेड जीपीएस यूनिट्स जो कि गाड़ियों में हम यूज करते हैं जीपीएस के लिए, उसमें आपको देखने को मिल सकते हैं। उसके अलावा जो नॉर्मल ट्रैकर्स होते हैं उसके अंदर भी आपको इनके रिसीवर देखने को मिलेंगे। और ये एक बहुत ही लो कॉस्ट सिस्टम होगा, क्योंकि जीपीएस जो है वो यूएस का है, क्योंकि तो उसके अंदर जो आपको अगर रिसीवर उसका यूज करना था, तो आपको वो सभी चीजें जो हैं वो फॉलो करनी पड़ती हैं, उनकी गाइडलाइंस है, तो उनकी जो लाइसेंसिंग फीस है वो बहुत ज्यादा है। लेकिन क्योंकि ये इंडिया का अपना खुद का सिस्टम है और सिर्फ हम इंडियंस के लिए है, तो ऐसे में जो कॉस्ट है वो बहुत ही कम होगी। तो आने वाले दिनों में दोस्तों आप सोच के देखिए कि इसकी पॉसिबिलिटीज कितनी ज्यादा अच्छी हो सकती हैं, चाहे वॉर टाइम हो, चाहे डिजास्टर मैनेजमेंट हो, किसी भी तरीके से अगर कभी भी आपको नेविगेशन की जरूरत पड़ेगी तो जीपीएस से कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं है, हम यूज कर पाएंगे हमारा अपना IRNSS। दोस्तों मैंने एक पहले वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि जीपीएस क्या है या कोई भी पोजीशनिंग सिस्टम बेसिकली किस तरीके से काम करता है, कैसे सैटेलाइट्स आती हैं, कैसे आपको आपकी पोजीशन पता चलती है आपके मोबाइल फोन में। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको दे रहा हूं डिस्क्रिप्शन में, वहां पे जाके आप चेक कर सकते हैं। और उस वीडियो के कमेंट्स में काफी सारे यूजर्स ने कहा था कि आपने जीपीएस के बारे में बताया, ग्लोनास के बारे में बताया, AGPS के बारे में बताया, लेकिन आपने अभी तक IRNSS के बारे में नहीं बताया। तो मैंने उनसे यही कहा था कि एक बार सब्र करो, जैसे ही IRNSS की जो सैटेलाइट्स हैं वो सारी के सारे लॉन्च हो जाएंगी, जैसे ही सिस्टम जो है वो एकदम कगार पे होगा फुली फंक्शनल अपना आगे काम करने के लिए, तभी मैं एक वीडियो बनाऊंगा स्पेसिफिकली डेडिकेट करते हुए IRNSS को, जो कि दोस्तों मेरे लिए एक बहुत प्राउड फीलिंग है और हम सभी के लिए एक बहुत प्राउड फीलिंग है कि जैसे कि हम बात करते हैं चाहे मंगलयान की, तो उसी तरीके से एक खुद का नेविगेशन सिस्टम होना बहुत बड़ी बात है। आने वाले दिनों में जो पॉसिबिलिटीज हैं वो एंडलेस हैं।
बिना किसी की डिपेंडेंस पे अगर हम काम कर पाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, लो कॉस्ट होगा। आप सोच के देखिए कि जो मैं आपसे कल बात कर रहा था कि एक पैनिक बटन वाला मैं आपको जो सिस्टम बता रहा था कि मोबाइल फोन्स में होना चाहिए, चाहे बेसिक फोन हो उसके अंदर भी होना चाहिए, तो क्योंकि IRNSS के जो रिसीवर्स होंगे वो काफी चीप होंगे, तो एक सस्ते फोन के अंदर भी आपको अगर एक नेविगेशन के लिए सिस्टम मिल जाए जो आपकी लोकेशन आपको बता पाए, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है, क्योंकि नेविगेशन के लिए आपको इंटरनेट की जरूरत नहीं पड़ती है, वो डायरेक्ट सेटेलाइट से आपका लिंक बनता है, तो ये बिना किसी इंटरनेट के एकदम लो कॉस्ट सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर देगा नेविगेशन के लिए। दोस्तों इस वीडियो को मैं और लंबा लेके नहीं जाऊंगा, अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना ना भूलिएगा, और अगर आपने अभी तक टेक न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना यहां पे इसी तरह की टेक वीडियोस लेके आता रहता हूं। अभी के लिए इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम।